चिलचिले कलान आते ही वादी कश्मीर में सर्दी जो है काफ़ी बढ़ रही है, और कल शाम दे दे की जहां बात करते हैं तो पहले शुरुआत माइनस से हुई, यानी कि -4 से हुई। सियाहती मुकामात पे जो टूरिस्ट आते रहते हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनने जो है यहां पर सैर की, लेकिन एक चीज़ वो ज़रूर कहते हैं कि अभी हमने बर्फ़ नहीं देखी। अभी हमारा गुलमर्ग और सोनमर्ग और बाकी अभी शिकारा वगैरह घूमेंगे, देखेंगे कुछ साल अच्छा सर्दी नहीं है, अभी इंजॉयबल है मोमेंट, अभी प्लीजेंट वेदर है, लेक वगैरह जा रहे हैं घूमने, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैंने बहुत सारे प्लेसेस विजिट किए हैं, मतलब मैंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया विजिट किया है, लेकिन जो ब्यूटी यहाँ पे है ना वो कहीं पे भी नहीं है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं टूरिस्टों के साथ जो दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? जी मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, पहली बार कश्मीर आए? जी पहली विजिट है। अच्छा, पहली बार कश्मीर आना, और कश्मीरियों का एक चिले कलान होता है यहाँ पर जी। तो किस तरीके की सर्दी यहाँ पर? सर्दी तो माशाल्लाह अच्छी है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं है कि तकलीफ देह हो बाहर से जो लोग खासतौर से नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं उनके लिए। चिले कलान मेरे ख्याल से आज शुरू हुआ है, आज 21 तारीख है, 40 दिन का होता है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन उस हिसाब से सर्दी नहीं है, अभी इंजॉयबल है मोमेंट, अभी प्लीजेंट वेदर है यहाँ पर जी। अच्छा, कुछ फायर पॉट्स यूज़ करते हो यहाँ पर? जी जो गर्मी के लिए कुछ यूज़ किया अभी तक आपने? अभी तक ऐसा कुछ सच है मतलब इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इतनी ठंड मुझे महसूस नहीं हुई एक्चुअली में, लेकिन गुलमर्ग वगैरह में बहुत ठंड थी, गुलमर्ग सोनमर्ग में। अच्छा। और मैं कल विज़िट किया था, दरंग भी गया था। अच्छा। काफ़ी ठंड थी वहाँ पर, लेकिन श्रीनगर का मौसम बहुत अच्छा है। कैसी लगी ये जर्नी? माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत इन्जॉय किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिर प्लान है बाहर में आने का जी। चलो एक और मेहमान हमारे बीच है, सबसे पहले आपका नाम? आलोक। माय नेम इज आलोक। आलोक आई एम फ्रॉम लखनऊ, यूपी। लखनऊ से पहली बार आप कश्मीर आए हैं? हाँ जी सर, मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लगा पहली जर्नी कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, पीपल बहुत कोऑपरेटिव हैं यहाँ के, और बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट लेक वगैरह अभी तो हम लोग आए हैं, बस हमने अपनी जर्नी लेक वगैरह जा रहे हैं घूमने, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। चलो सर्दी की बात करते हैं, सर्दी कितनी है? सर्दी तो जो एक्सपेक्ट की थी वो नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने जो सुना है कि यहाँ पे सर्दी बहुत होती है, बट ये स्नोफॉल वगैरह अभी हुआ नहीं है, तो एक्सपेक्टिंग यही था कि हमें स्नोफॉल मिलेगी, बट ऐसा मिला नहीं है, लेकिन हाँ है, अच्छी ठंडी है। अच्छा, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी तक कहाँ कहाँ गए अब? अभी सर अभी हमने अपना स्टार्ट किया, अभी हम लोग गए थे जम्मू कटरा, और वहाँ से अब आए हैं, और अब हम अपना यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। कितने टाइम तक यहाँ पर बिताने का? सर टाइम तो 25 से 25 to 26 है। अच्छा, फिर तो आप बर्फ जरूर देखोगे। हाँ, अच्छा क्रिसमस तक प्लानिंग है। तो आखिरी मैसेज क्या रहेगी हमारे पूरे देशवासियों के लिए कश्मीर की? मेरा मैसेज है पूरे देशवासियों के लिए कि यहाँ पे आएँ, विजिट करें, बहुत अच्छा है यहाँ पे, पूरा एक व्यू जो हमें एक देखना चाहिए, यहाँ पे आके देखना चाहिए, ओवरऑल बहुत अच्छा व्यू है। आपका नाम? स्वाति त्रिपाठी। कहाँ से आप? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, पहली बार आप कश्मीर आए? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, कैसी लगी यहाँ की सर्दी, यहाँ का वातावरण? बहुत सुंदर, मैंने बहुत सारे प्लेसेस विजिट किए हैं, मतलब मैंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया विजिट किया है, लेकिन जो ब्यूटी यहाँ पे है ना वो कहीं पे भी नहीं है। क्या क्या अभी अभी आप जो आपने एक्साइटिंग देखा होगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर आपने आँखों से देखा तो कैसा महसूस? मैंने मुझे पहले बहुत डर लगता था कि पता नहीं कश्मीर में क्या होता होगा, लोग कैसे रहते होंगे, लोग कैसे होंगे, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, जगह जगह मतलब गन पॉइंट्स पे मतलब लोग खड़े हुए हैं, मतलब गन लेके, जो हम लोग की सेफ्टी के लिए है, तो माहौल बहुत ही सेफ है और बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर है, ये चीज़ मैंने महसूस करी। तो है अपनी फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि पूरे
पूरे लोग आपको देखे। मैं यही बोलना चाहूँगी, आप यहाँ पे आए, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इवन यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा और मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। आए यहाँ पे घूमें, बहुत सेफ्टी है, कोई कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा प्लेस है और ये प्लेस सच में जन्नत है। थैंक यू मैम। ओके, एक और टूरिस्ट हमारे साथ है, आप सबसे पहले आपका नाम? प्रीति गौतम। आप कहाँ से? जलंधर। आप? प्रिंस। अच्छा, पहली बार कश्मीर आए? हाँ, फर्स्ट टाइम कश्मीर है। अच्छा अच्छा, नई नई शादी हुई? हाँ, अभी अच्छा अच्छा पहली बार। अच्छा, कैसा लगा कश्मीर, कहाँ कहाँ अभी तक गए? अभी जस्ट लैंड होके अभी यहीं पे आए हैं सीधा। अच्छा, सीधे अभी घूमेंगे। सर्दी कितनी लग रही है? सर्दी ठीक है, पंजाब से इतना ही है। अभी दोपहर को पंजाब में ठंड रहता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी लग रहा है। चंडीगढ़ से कम लग रही है, चंडीगढ़ में ज्यादा थी। चंडीगढ़ में ज्यादा है। यहाँ एक्चुअली कल शाम को -4 था तो बहुत सर्दी थी। तो अभी तक अब यहाँ पर कहाँ का प्लान? अभी हमारा गुलमर्ग और सोनमर्ग और बाकी अभी शिकारा वगैरह घूमेंगे, देखेंगे कुछ अच्छा सा। कितने टाइम तक यहाँ पर? हम 2 दिन के लिए हैं। खाली 2 दिन? 2 दिन, क्योंकि हम शिमला भी होके आए हैं, घूम के आए हैं, 6-7 दिन का हमारा टूर, वहाँ से निकल के अब 2 दिन का यहाँ पे टूर है लास्ट, इसके बाद फिर वापस घर पे। चलिए, एक्साइटिंग हो कि कश्मीर? वाह, जाना हो ये था कि कब बर्फ दिखे, बर्फ दिखे, दिखी नहीं रही है। बर्फ तो आपको गुलमर्ग में ही दिखेगी। हाँ, तो बस कल देखेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये टूरिस्टों की बातें, लेकिन आम लोगों की बातें भी ज़रा सुनाते हैं। आम लोग कहते हैं कि सर्दी काफ़ी है, गर्म मलबूसात भी हमने लाए हैं और इस मलबूसात में हम ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को गर्म भी रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप भी खुश होंगे, आपको भी इंतज़ार रहेगा कि बर्फ़ कब पड़ेगी और हम भी जो है लुत्फ़ उठाएँगे उस बर्फ़ का। और आने वाले वक्त में जो है, जहाँ महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 29 और 30 को जो है बर्फ़बारी की पेशनगोई की गई है, तो वो आने वाले वक्त है। लेकिन आप तब तक दीजिए, आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ दरियल कश्मीर न्यूज़।